हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी अस्थियों को प्रदेश अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की नदियों व झीलों में विसर्जित करेगा। इसी के चलते 17 जुलाई को बिलासपुर के गोविंद सागर झील में भी वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी, जिसको देखने के लिए आज नैना देवी के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस नमहोल में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने न केवल भाग लिया बल्कि पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करने का भी काम किया। गौरतलब है कि ये कलश यात्रा नमहोल से ब्रह्मपुकर होते हुए कोठीपुरा कलर होते हुए स्वार घाट के लिए रवाना हुई, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद आज राज भाखड़ा के भर्तरी मंदिर में रखी जाएंगी, जहां से 17 जुलाई को यात्रा के रूप में कलश यात्रा निकालकर भाखड़ा स्थित गोविंद सागर झील में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए वीरभद्र सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा और प्रदेश की जनता अपने अपने इलाकों में हुए विकास कार्यों को जब भी देखेगी तब तब उन्हें वीरभद्र सिंह की याद अवश्य आएगी। हिमाचल प्रदेश को छोड़ के निकले हैं और आज उन्हीं के लिए जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अस्थि कलश है वो हर ब्लॉक में जो है प्रवाहित होंगे और उसके कड़ी में हमारा जो नैना देवी हल्का है उसके लिए जो है वो कल अस्थि कलश यहाँ पे पहुँचा था। आज यहाँ से ब्रह्मपुखर होता, कोठीपुरा होता, स्वार घाट से और आगे नैना देवी तक ये पहुँचेगा आज शाम तक। सुबह नैना देवी से 8:30 बजे जो है वो कलश लोग हमारे कार्यकर्ता आके लेके जाएंगे और उसके बाद भाखड़ा में कोई 9:30 बजे के आसपास जो है ये अस्थि कलश पहुँचेगा। हमारा एक भर्तरी मंदिर है भाखड़ा का, वहाँ से फिर पद यात्रा के तौर पे सारे कार्यकर्ता जो है वो अस्थि कलश को लेके गोविंद सागर में जहाँ पे नरसिंह मंदिर है, हमारा टेंपल है, उसके आगे बोट में जाके जो है वो ये जल प्रवाहित किया जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वीरभद्र सिंह की ये यात्रा जो है वो यहीं पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जो इन्होंने काम पूरे प्रदेश के लिए जो है किए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास जो वीरभद्र सिंह ने किया है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग के जो है वो कार्यकारी को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, या मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सड़कों का हो, पानी का हो और जितने भी सर्वांगीण विकास के काम हैं वो माननीय वीरभद्र सिंह ने किए हैं, ये काम उनको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो लोगों को याद कराते रहेंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ना तो पीछे कभी ऐसा नेता हुआ होगा और ना कभी आने वाले समय में जो है वो इस प्रकार का नेता जिसने सर्वांगीण विकास किया हो, हिमाचल प्रदेश को ऊंचाइयों तक लेके गए हों, शायद मैं कहूँगा कि इस प्रकार के नेता की जो कमी है वो हमेशा खलती रहेगी और प्रदेश के लोग जो है